तारापुर में सरस्वती शिशु मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य शिव कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न परम पूज्य प्रणब मुखर्जी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करने के लिए पुष्पांजलि श्रद्धांजलि करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोग यही कह सकते हैं इनके जीवन वृत्त को देखते हुए कि एक साधारण से परिवार में वो मिट्टी के मकान में जन्मे और वहां से राष्ट्रपति भवन तक की भी उन्होंने सेवा बढ़ाई। बीच में अपने कार्यकाल में प्राध्यापक भी रहे। उनके निधन से, उनके देहावसान से भारत माँ ने एक मेधावी पुत्र खो दिया है। उनके निकट भविष्य में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के जो मापदंड मानदंड है उसकी क्षतिपूर्ति होती नहीं दिखती है। मैं इतना ही कहूंगा कि उन्होंने जो अपना जीवन जिया, एक ऋषितुल्य जीवन जिया, जिसके चलते उनके निधन पर पूरे देश के लोग उनको श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। इस कोरोना काल में भी यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख संचालक परम पूज्य मोहन जी भागवत ने भी उन्हें दिल्ली आकर उनके तैलचित्र पर अपनी श्रद्धांजलि और पुष्प चक्र अर्पित किए, जिससे यह लगता है कि वो जो एक छवि होती है उनकी सर्वग्राह्य छवि थी और ये आने वाले समय में एक उदाहरण बनेगा हमारे भारतवर्ष के लिए।